और एक दो गंभीर विषय है कि जिस प्रकार से गणना की जो बात है उसमें समाज को बहुत कम आकलन करके दिखाया गया है। साथ ही साथ कृषि का दर्जा का अगर पूर्णतः हल मिल जाता है तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब जगह ये विषय को उठाएं। समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके लिए सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। पेट में रोटी नहीं है तो शिक्षा कहाँ से आएगा, और शिक्षा जब नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में और यहाँ पे अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली के द्वारा परिचय से सम्मान समारोह किया जा रहा है। और इस सम्मान समारोह में जो मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं वो दीघा के विधायक हैं, क्या बोलते हैं कि संजीव चौरसिया जी। और यहाँ पे आगे में जो मंचासीन है वो सभी लोग यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं। क्या उद्देश्य है ये सम्मान समारोह का, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और बहुत सारे जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो बोल रहे थे कि चौरसिया समाज का जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन जनगणना में हम लोग को कम दिखाया गया है, तो इस विषय पे विशेष चर्चा करेंगे यहाँ के जो विधायक जी हैं संजीव चौरसिया जी से। सबसे पहले तो स्वागत है सर मेरे चैनल पर। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामना आपको। सर सबसे पहला सवाल यही होगा कि ये जो परिचय से सम्मान समारोह है इसका उद्देश्य क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर अपने माननीय अध्यक्ष डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी के इसमें और सभी लोग डॉक्टर आरके चौरसिया जी, माननीय विनोद जी, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अतः चौरसिया महासभा के करते भी हैं कार्यक्रम का, तो आज जिले के नवनियुक्त जो माननीय अध्यक्ष हैं सभी और संगठन के प्रमुख व्यक्तियों के साथ परिचय और जनप्रतिनिधि के एक समन्वय भाव से एक सम्मान के दृष्टि से भी उनको सबको यहाँ बुलाया गया है। और जो समाज के अनेक मुद्दे हैं बिहार को, तो उन सबों को भी चर्चा हो रहा होना है, तो परिचय भी है, सम्मान भी है और उन विषयों को भी चर्चा करके करने का काम है। और एक दो गंभीर विषय है कि जिस प्रकार से गणना की जो बात है उसमें समाज को बहुत कम आकलन करके दिखाया गया है, क्योंकि टाइटल अलग अलग प्रकार से जो लगने का काम होता है तो उस प्रकार से भ्रम अलग अलग प्रकार से फैला रहा, तो उसके जो परिणाम सकारात्मक होने चाहिए थे संख्या की वृद्धि का, वो आधार पूर्णतः प्रदर्शित नहीं हो पाया है। तो उन सबों को भी गंभीर चर्चा होने की बात है और समाज की जागरूकता बनी रहे, राजनीतिक अपेक्षा जो अलग अलग वर्गों से है, विशेष करके नौजवान अपने अपने प्रकार से और महिलाएं सब निकलकर प्रतिनिधित्व लेने का भी काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर सबका साथ सबका विकास, इस नाते प्रतिनिधित्व का एक समन्वय भाव कैसे स्थापित हो समाज के अंतर्गत, उसके लिए भी पूरा चिंतन और मनन के साथ यहाँ जाने की बात है। और ध्यान में कि कल मकर संक्रांति का भी है, तो मकर संक्रांति के भी शुभकामना के साथ यहाँ लौटेंगे सब लोग। संजीव जी, आपसे एक मेरा सवाल होगा कि चौरसिया समाज में एकजुटता के ऊपर हमेशा से सवाल उठता आया है, एकजुटता के बारे में क्या कहिएगा? नहीं, समाज की एकजुटता है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ कठिनाई जो होती है, पर कुल मिलाकर परिवार है, परिवार में कहीं भी रहता है तो ठनठन रहता है मामला, पर एकीकृत एक एकमात्र और एक ध्येय सबको है कि समाज आज जागृत हुई है, क्योंकि अपने जो वयोवृद्ध सब लोगों ने जो समाज को सींच के देने का काम किया है, अलग अलग प्रकार से प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, तो उनके खून पसीने से आज पूरे समाज जो एकत्रित होने के काम हुई है, तो वो आज एकता में ही बल, ये बात को सब लोग मानते हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी मानते हैं कि जो एकता का बल है वही समाज का निर्णय का हल है, तो इसी बिंदु पर लेकर वो लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। सर, एक जितने भी यहाँ पे लोग हैं कहीं ना कहीं वो पान का फसल उपजाते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली रूप से इनडायरेक्टली रूप से, और प्रत्येक साल उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौसम में नुकसान होता है, ठीक है, और उनको मुआवजा दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चौरसिया समाज है जिनके पास तक मुआवजा नहीं पहुंच पाती है। कहाँ पे गैप है, कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है? मैं तो कृषि के दर्जा के लिए, आपको ध्यान में होगा कि बाबूजी जब बिहार विधान परिषद में माननीय गंगा वो जब थे तो वो भी लगातार उठाते रहे आवाज़, और मैं भी विधानसभा में उठकर संकल्प और सबके माध्यम से, तो सरकार ने आश्वस्त भी किया था जब अपने लोगों की सरकार थी उस समय, और बहुत मामला आगे बढ़ा भी है, तो मैं चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर कृषि के दर्जे को आयाम बढ़े तो बहुत चीज़ स्वाभाविक समस्या का हल हो जाएगा, और सरकार ने विचार भी किया है इस पर, तो एक सामाजिक रूप से भी चाहते हैं कि इसका हल निकले, पर इसके अनुदान की भी सरकार अनुदान देती है, पर कहीं समन्वय भाव नहीं हो पाता है तो कठिनाई होती है, तो हम ये चाहते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं इस बात को भी हल निकालने का काम करें कि जहां अनुदान
की आवश्यकता है, उस प्रशासनिक पदाधिकारी से बात करके कोई कठिनाई हो तो हम भी यहाँ कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार हैं, और विनोद भाई भी हैं, सब लोग यहाँ पर हैं कि अलग अलग प्रकार से सरकार से समन्वय करके इसकी कठिनाई को दूर की जाए। साथ ही साथ कृषि का दर्जा का अगर पूर्णतः हल मिल जाता है तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह ये विषय को उठाएं कि कृषि का दर्जा मिल जाए तो एक संपूर्णता में हल इसके दिखाई देंगे। मतलब कि कृषि का दर्जा दिलवाने के लिए संजीव चौरसिया जी कदम से कदम मिलाकर के चल लगातार इस विषय को उठाने का भी काम कर रहे हैं, सदन से लेकर जब जरूरत पड़ेगा तो सड़क के माध्यम भी अपनाने में कुरेज नहीं बरतने वाले हैं, क्योंकि समस्या का हल वास्तव में पान की खेती के क्या सारे लाभ हैं। आज इस क्षेत्र से जो थोड़ा अलग होते जा रहे हैं, अलग होने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें जुट कर ही इससे लाभ लेकर दूसरे को लाभ देकर आगे बढ़ाने के काम करना है। यहाँ पे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं अपने समाज में? देखिए, पहले तो अखिल भारतीय चौरसिया आदर्श चौरसिया महासभा का विस्तार गाँव गाँव तक पहुँचा रहे हैं। इसको पहले अभी हमने जिला का गठन कर लिया है, पूरे बिहार में जिला के सभी जिलों का जिलाध्यक्षों का गठन हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में हम लोग प्रखंड स्तर पर जाएंगे और प्रखंड स्तर के बाद फिर हम गांव-गांव तक पहुंचेंगे, और इस तरह से हमारी जो जड़ें हैं वो मजबूत होगी और हम एक एक एकता में बल है, एकत्र होकर करके अपनी आवाज़ को उठाएंगे। अभी भी उठा रहे हैं, जब हम लोग उस तरह से उठाएंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगा और हमारी बात को सरकार मानेगी। इस तरह से सबसे पहले हमारा जो अभी का जो उद्देश्य है वो पहला है कि हम समाज को आगे ले जाएं और समाज को जोड़ करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज को जोड़ करके यहाँ पे आर के प्रसाद जी हैं, बिहार प्रदेश के मुख्य सलाहकार हैं। दादा, आप सलाहकार होने के नाते अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके लिए सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो हम अपने अध्यक्ष महोदय को सलाह दे रहे हैं कि आप अपने संगठन को नीचे तक ले जाइए, दबे दबे कुचलक के बीच में जाइए, जहां लालटेन जल रहा है, रोटी नहीं जल रहा है, उसको भी दो रोटी मिलना चाहिए। उसकी आर्थिक शक्ति सुदृढ़ करने के लिए आप ऐसा कदम उठाएँ कि उनको दो रोटी रोज मिले, तब जा करके कोई शिक्षा की ओर जाएगा। जब पेट में रोटी नहीं है तो शिक्षा कहाँ से आएगा, और शिक्षा जब नहीं है तो हम जागृत नहीं होंगे, जब जागृत नहीं होंगे तो हम समाज को कैसे खोजेंगे। इसलिए हम लोगों को जागृत करना है और समाज को आगे बढ़ाना है, इसी से विकास होगा, यही हम सलाह देते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, हम शिक्षा के कारण ही आगे आज इस मंच पर हमको आप पहचान रहे हैं, नहीं तो हम भी पान बेचते तो हमको कौन पहचानता है। माता पिताजी पान से पहचाने जाते थे, आज हम कलम से पहचाने जाते हैं, और चौरसिया नहीं लिखते हैं, चौरसिया हर व्यक्ति लिखे आप अपने नाम के पीछे आगे जहाँ लगे। और ये अगर हमारे एक ही चौरसिया शब्द ऐसा है जो पूरे देश विदेश में सब जगह प्रचलित है, और इसे हम प्रचलित में अपने जाति का उद्बोधन कराते हैं। इसीलिए हम इनको सलाह देते हैं कि अधिक से अधिक शिक्षा के जाइए और जा करके हम लोगों को प्रेरित करिए ताकि हमारा संगठन आगे बढ़े, और हर कदम से कदम मिलाकर गांव तक चलिए, अपने गांव की जो खेती होती है उसको देखिए, और तब जा करके हम उसको अधिक अधिक से अधिक आर्थिक लाभ पहुँचा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली के द्वारा परिचय से सम्मान समारोह किया जा रहा है, और पीछे दिखाइएगा सत्यम जी, यहाँ पे जो अलग अलग जिले और अलग अलग गांव कस्बे से लोग जो आए हैं वो यहाँ पे आकर के जो अपने यहाँ पे अधिकारी हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं। और इस दौरान जब हम संजीव चौरसिया से बात कर रहे हैं तो बताते हैं कि चौरसिया को किसान का दर्जा दिलवाने के लिए हमको सड़क पे भी उतरना पड़ेगा, तो सड़क पे भी उतरेंगे और पुरजोर तरीके से क्या बोलते हैं कि आवाज़ बन करके सरकार से हम अपना मांग करेंगे। बाकी आप इनके जो मतलब कि सम्मान समारोह है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।